मॉड्यूल 65 एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट एक कोर कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक थ्योरी का जो कि हम यूज़ करेंगे टू कैरी आउट डिसीजन मेकिंग दैट इज अबाउट एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट जब हम एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट की बात करते हैं एक बेसिकली रिपोर्ट्स आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट अगर हम एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर की बात करेंगे ये मेरे पास हो जाएगा आउटपुट पर यूनिट ऑफ लेबर फिर इसे पैटर्न पे जब हम एवरेज टोटल कॉस्ट की बात करेंगे दिस इज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट और अगर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट और हम इसको ऑप्टेन कैसे कर रहे हैं कि वी आर बेसिकली गेटिंग एवरेज फिक्स कॉस्ट बाई डिवाइडिंग फिक्सड कॉस्ट विद लेवल ऑफ आउटपुट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वी आर गेटिंग बाई डिवाइडिंग वेरिएबल कॉस्ट विद लेवल ऑफ आउटपुट हाँ जी यहां पे एक और चीज कि जी जो भी आपके पास एवरेज टोटल कॉस्ट होगी दैट एवरेज टोटल कॉस्ट इज इनफैक्ट इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इस चीज को रिपोर्ट करने के लिए हम एक हाइपोथेटिकल स्केजूअल यूज कर रहे हैं उस स्केजल में क्या है कि हम एग्रीकल्चर आउटपुट रिपोर्ट कर रहे हैं और साथ में मेरे पास है लेबर दैट इज बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस एग्रीकल्चर आउटपुट और बाकी सब फैक्टर्स के बारे में हमारी क्या है कि दे दे ऑल अदर फैक्टर्स आर कॉन्स्टेंट एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट वी हैव टू डिड एग्रीकल्चरल आउटपुट विद यूनिट ऑफ लेबर अगर मैं कंबिनेशन ए की बात करूं तो इन कंबिनेशन ए टू प्रोड्यूस एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट वी हैव टू डिड एग्रीकल्चरल आउटपुट विद यूनिट विद लेबर आवर्स क्या जी अगर मैं वन को टेन पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा वी विल ऑबटेन पॉइंट वन जीरो दैट इज द एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट अगेंस्ट पर यूनिट आवर ऑफ लेबर फिर इसी पैटर्न पे जो मेरे पास टोटल कॉस्ट है अगर हम इस टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दें विद यूनिट्स ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट दिस इज द एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट अगेंस्ट वन यूनिट ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वन फिफ्टी सो एवरेज टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी कि बाई डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट वन फिफ्टी विद यूनिट्स ऑफ आउटपुट वी कैन ऑप्टेन एवरेज टोटल कॉस्ट फिर इसी पैटर्न पे अगर हम एवरी फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें वी आर गेटिंग दैट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बाई डिडिंगिक्स विद आउटपुट या जी अगर मैं एफ कम्बिनेशन की बात करूं टू ऑबेन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आई हैुट जब मैं हंड्रेड को नाइन पॉइंट ऑफ आउटपुट पर डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होगी दैट इज इक्वल टू टेन पॉइंट फोर एंड टू ऑब्टेन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वी हैव टू डिवाइड वेरिएबल कॉस्ट विद एग्रीकल्चरल आउटपुट अगर मैं बी कंबिनेशन की बात करूं टू प्रोड्यूस थ्री यूनिट्स ऑफ आउटपुट फार्मर टू बियर कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू एटी रुपीज हां जी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी बाई डिवाइडिंग एटी विद थ्री वी कैन obtain एवरेज variable कॉस्ट that is इक्वल टू 26.7। सिक्स पॉइंट सेवन अब ये जो हमने चीजें कंप्यूट किया है कि एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो अगर आप अटेंटिवली इस कॉलम को देखोगे तो आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे एज यूनिट्स ऑफ लेबर इंक्रीजेस एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट मेरे पास क्या हो रही है कि इनिशियली एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट इंक्रीजेस इट रीचेज मैक्सिमम वेन फार्मर इज यूजिंग ट्वेंटी सिक्स लेबर आवर्स और उसके बाद ये क्या हो गया इट स्टार्ट डिक्रीजिंग इनिशियली एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एज यूनिट्स ऑफ लेबर एज लेबर आवर्स इंक्रीजेस एंड देन इट स्टार्ट डिक्रीजिंग इसी पैट में अगर मैं एवरी टोटल कॉस्ट की बात करूं तो यहां पर एसोसिएशन क्या है कि एज लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीजेस इनिशियली एवरेज टोटल कॉस्ट डिक्रीजेस जी किस पॉइंट पे जाके एवरेज टोटल कॉस्ट इज मिनिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन पॉइंट वन हां जी किस लेवल ऑफ आउटपुट पे है ये दिस इज अगेंस्ट नाइन पॉइंट सिक्स यूनिट ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट हां जी उसके बाद क्या हो गया दिस एवरेज टोटल कॉस्ट स्टार्ट इंक्रीजिंग अब अगर इसी चीज को हम एक ग्राफ की फॉर्म में शो करें तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं वी आर टेकिंग एग्रीकल्चरल आउटपुट ऑन ऑरिजेंटल एक्सेस एंड कॉस्ट ऑन वर्टिकल एक्सेज अगर मैं एवरी फिक्स्ड कॉस्ट की बात करूं तो ये क्या है कि एज लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीजेस, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीजेस। कि देर इज कंसिस्टेंट डिक्रीज इन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट विद इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल आउटपुट अगर मैं एवरेज टोटल कॉस्ट की बात करूं तो ये क्या है कि इट इनिशियली डिक्रीजेस रीच इज एट देन क्या हो रहा है इट स्टार्ट इंक्रीज़िंग। फिर इसी पैटर्न में जब मैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की भी बात करता हूं तो वो भी क्या है कि इनिशियली इट स्टार्ट इनिशियली इट डिक्रीजेस रीच इज एट अन इट स्टार्ट इनक्रीजिंग जी अब आप एक चीज यहां पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि डिफरेंस बिटवीन एवरेज टोटल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज रिलेटिवली लार्जर ड्यूरिंग इनिशियल फेज ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस और लेटर स्टेज में क्या हो गया दिस डिफरेंस बिटवीन एवरेज टोटल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज रिलेटिवली स्मॉलर देन द डिफरेंस दैट वी हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ द प्रोडक्शन फिर इसी पैटर्न पे अगर मैं एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट को एक डायग्राम में शो करूं तो एवरी फिजिकल प्रोडक्ट क्या है दिस इज द आउटपुट अगेंस्ट पर यूनिट्स ऑफ लेबर वी आर टेकिंग लेबर ऑन लेबर आवर्स ऑन हॉरिजेंटल एक्सेस एंड एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट ऑन वर्टिकल एक्सेस जी क्या हो रहा है कि इनिशियली एज लेबर आवर्स इंक्रीजेज एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट इट रीचिज एट अ मैक्सिमम पॉइंट देन क्या हो गया इट स्टार्ट डिक्रीजिंग Now, there is an association between average cost and average physical product. What is the Association hai? the point where hanji, yahan figure one may report karayin, average physical product against different quantities of labor hours. Or figure two, mein, we, are, we are showing average variable cost against different levels of output. The point where average physical product is maximum. जी किस पॉइंट पे वो ऑब्जर्व हो रहा है वी आर ऑब्जर्विंग दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट व्हेन यूनिट्स ऑफ लेबर इज इक्वल टू एंड एंड फार्मर इज प्रोड्यूसिंग यूनिट्स ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट और जब इसी चीज को हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के पार्ट में जाके देखें तो वहां पर भी क्या है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज मिनिमम वेन फार्मर इज प्रोड्यूसिंग एट पॉइंट वन यूनिट ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट हाँ जी उस पॉइंट उस पॉइंट पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है इट इज इक्वल टू सिक्सटीन अब ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस डिस्कशन हम एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्रीजेस विद इंक्रीज़ इन आउटपुट एवरेज टोटल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नॉर्मली डिक्रीजेज अप टू लेवल ऑफ आउटपुट एंड देन इट स्टार्ट

इन शेप और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है दिस इज कनकेव इन शेप अब द पॉइंट वेर एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट इज मैक्सिम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी इट इज मिनिम एंड रेफरेंस टू एग्रीकल्चरल आउटपुट विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चरल आउटपुट में इस सारे को अगर समराइज कर दूं तो हम कुछ यही चीजें ऑब्जर्व करेंगे विद रेफर प्रोडक्ट एंड एवरेज कॉस्ट ऑफ द फार्मर द पॉइंट वेयर एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट मैक्सिमम हो जाएगा अगेंस्ट दैट पॉइंट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द फार्मर विल बी मिनिमम